हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही काम का वीडियो है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार यूट्यूब ने हमारा आईडी वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में मैंने अपना आईडी सुधार करके, यानी जिसमें इसमें मैंने जो गलती की थी उसको सुधार करके, जब मैंने फिर से उसको अपना आईडी उस पर अपलोड किया तो वो वेरीफाई हो गया है। फाइनली आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको अपने जीमेल में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एडसेंस की तरफ से एक मेल आया है कि योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड। यहाँ देख सकते हैं, ये मेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। दोस्तों, अब वेरीफाई होने के बाद हमें क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड उसमें ऐड करना है, यानी हमारे गूगल एडसेंस में हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को जोड़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से बैंक अकाउंट जो है अपने एडसेंस में लिंक करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के इस काले बटन को दबाकर नीला जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस बगल वाले घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अपने एडसेंस को लॉगिन कर लेना है, जिस भी हमने ईमेल से एडसेंस अकाउंट बना रखा है। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको कोने में दिखाई देंगे तीन लाइन, उन थ्री लाइंस पे आपको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा इस तरह का कुछ ऑप्शन। तो आपको जाना है पेमेंट्स पर। ये पेमेंट्स के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज जो है आपके सामने ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। तो इस ऐड पेमेंट मेथड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज फिर से सामने आएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है वो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आईडी, यानी इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपका जो भी नाम है बैंक अकाउंट में वही नाम यहाँ पे लिखना है। आप जो भी घर पे यूज़ करते हैं या कुछ भी नाम हो आपको वो नहीं लिखना है, जो आपके बैंक पासबुक में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ दूसरे ऑप्शन में दिया गया है बैंक नेम। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी आपकी बैंक है, SBI है, पंजाब बैंक है, ICICI है या फिर एक्सिस बैंक, जो भी आपकी बैंक है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद उसका जो IFSC कोड, आप जानते ही होंगे IFSC कोड क्या होता है, वो IFSC कोड यहाँ पर आपको भर लेना है। तो IFSC कोड यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी पासबुक पर मिल जाएगा कि IFSC कोड क्या होता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगले ऑप्शन में दिया गया है SWIFT BIC, यानी स्विफ्ट कोड के लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपको एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ से आपको हो सकता है करेक्ट नहीं मिले। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपनी बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद मैनेजर से बात करना है और उसको पूरा बताना है कि हमारा जो पैसा है कहाँ से आने वाला है, क्या है, और हम दूसरे कंट्री से जो है एडसेंस अकाउंट है और हम उस वहाँ से हमारा पैसा जो है आएगा, उसके लिए हमें ज़रूरत है। कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ज़रूर, अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो वो ऊपर बात करके आपको दे देंगे। इसके बाद स्विफ्ट कोड के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है, आपके खाता नंबर जो भी है वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों, आपको रीटाइप अकाउंट नंबर, यानी फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर दो बार डालना है, यानी ऊपर भी अकाउंट नंबर में और अकाउंट नंबर दोबारा से इंटर नीचे भी कर लेना है। तो दोनों जगह इंटर करने के बाद दोस्तों, आपको इसको खाली छोड़ देना है बाकी जो भी कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पर जो सेव का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप पूरा फिल कर लोगे और उसको सेव कर दोगे तो आप जो है, मैं अभी इसको अभी आपको फिल करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी जो जानकारी है पूरी टोटल फिल करके रख ली है। इसके बाद हमें सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों उसमें जो भी हमने जानकारी दी है पूरी सेव हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आया है।
तो फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हैं अपना बैंक अकाउंट अपने एडसेंस में हमने जोड़ दिया है। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं अपना बैंक अकाउंट उसमें। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।